सर मैं ये 5th सेमेस्टर है मेरा। कहाँ से कर रहे हो आप? मैं चंपावत डिस्ट्रिक्ट पड़ता है उत्तराखंड। अच्छा, चंपावत से हो आप? कहाँ से कर रहे हो? हाँ देहरादून जी। से कर रहे हो क्या? अच्छा, ना ना ना, चंपावत से सर, मैं चंपावत ही में। तो रहने वाले कहाँ? उत्तराखंड के ही हो? हाँ सर, उत्तराखंड का ही रहने वाला। अच्छा, तो क्लास में आते क्यों नहीं डेली तुम शाम को? सर वो क्लास है थोड़ा एडवांस होती है, क्योंकि मुझे समझ नहीं आते। जैसे आज आपने जो क्लास दी ये मुझे पूरा समझ में आया, और इसलिए आया था। तो क्लास में आओगे तभी तो समझ में आएगा ना। देखो, तुम्हारे पास तो रिकॉर्डिंग भी है, सारी रिकॉर्डिंग वीडियो तुम्हारे पास है, जाके देखो। एक बारे में समझ में नहीं आएगा, थोड़ा टाइम तो लगेगा, आप थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन उनको समझने की कोशिश करोगे तो समझ में क्यों नहीं आएगा। हम कोई यहाँ पर बहुत डिफिकल्ट लैंग्वेज यूज नहीं करते हैं, ना ही इंग्लिश में पढ़ाते हैं, हिंदी हाँ में पढ़ाते हैं, बहुत आसान तरीके से पढ़ाते हैं तुमको। वो तो मैं समझ जाता हूँ सर। आपने जो भी पढ़ाया है बहुत इजीली मुझे समझ में आ गया था। जो पीछे का और पढ़ाया वो समझ में आया वैसे कि नहीं आया? पीछे के मैंने एक दो ही वीडियो देखे थे आपने। मैं सच बोलता हूँ, झूठ नहीं बोलता। नहीं, करो और उनको जाके। आया आप जो एक्सेल की वीडियो डालते हो उनको देखता रहता हूँ। समझ में एक्सेल वाली वीडियो? हाँ वो समझ में आई मुझे। आ रहा? देखो कुछ नहीं, अब इसको जाके सेम एक्सेल में डाल दो। इसको जो है मैनुअल, एक बारी मैनुअल तैयार करो और फिर एक्सेल में बनाओ। देखो क्या है, एक क्वांटिटी सर्वेयर तभी सफल हो सकता है अपनी फील्ड के अंदर जब उसको ऑटो कैड की, एक्सेल की और मैनुअल कैलकुलेशन की नॉलेज होगी। अगर ये तीन चीजें आपको आ गई ना, तो आप अच्छे से अच्छा प्रोजेक्ट खुद ब खुद कर सकते हो। ठीक है, तो एक्सेल के ऊपर जितना टाइम लगा सकते हो लगाओ। हम तो इतने आसान तरीके से कराते हैं यार, कोई कोई डिफिकल्ट नहीं है, और कोई भी चीज ऐसी नहीं है कि जो आपको समझ में ना आए। कोई चीज मिस नहीं करते हैं, कोई हर चीज एक दूसरे से रिलेटेड होती है, और एक्सेल में तो बहुत आसान से समझा रहे हैं हम लोग। पूरा वीडियो अगर आप देखोगे तो पूरे बहुत आसान से हम लोग उनमें समझा रहे हैं। ठीक है, तो और मैं ये हाँ जी कहूंगा सर। आपको कि आप स्टार्टिंग से जो क्लास है ना, देखो क्या होता है, आपने बीच में शुरू किया था, बीच में ज्वाइन किया था, जब बीच में ज्वाइन करते हैं तो मुझे पीछे का समझ में नहीं आता है। तो इसीलिए नहीं पहला आता जो है। पहली जो क्लास है ना हमारी, पहली क्लास से उल्टा आना शुरू करो, उल्टा आना शुरू मैंने वो करो। क्लास देखी नहीं सर। स्टार्टिंग की जो क्लासेस थी आप, वो मैंने देखी नहीं थी, तो यूट्यूब पे तो है ना इसलिए मैं भाई, बीच में आया। हाँ, यूट्यूब है उस पे। यूट्यूब के लाइव फ्री क्लासेस के जो चैनल, हमारा जो मेंबरशिप वाला जो प्लेलिस्ट है उसमें जाके मिलेंगे ना। ठीक। ठीक है, फ्री मेंबरशिप वाला जो हमारा जो स्टूडेंट के लिए जो हमने बना रखा है अपनी क्लासेस के, उस वाले प्लेलिस्ट में जाके देखो, क्यों नहीं है, उसमें सब वीडियोस हैं। उनको उल्टा आना शुरू करो, पहले दिन से उल्टा आओगे तो डेफिनेटली समझ में आएगा। तुम बीच से देखोगे तो बीच से समझ में नहीं आएगा, क्योंकि हर चीज एक दूसरे से लिंक है। ठीक है। राइट।